अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज किस लेसन में हम देखेंगे कि आप हाउ टू सेंड ईमेल थ्रू योर अकाउंट के थ्रू आप ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं, ईमेल को रिसीव कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के साथ अटैच पिक्चर कैसे कर सकते हैं, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर वगैरह कोई भी चीज़ अगर अटैच करनी है तो आप अटैच कैसे कर सकते हैं अपने ईमेल में। इसके लिए मैं योगो को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ईमेल पड़े हुए, अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप कोई ईमेल कंपोज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। किसी को अगर ईमेल करना है तो कंपोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिस बंदे को आपने ईमेल सेंड करना है, तो उसका एड्रेस लिखे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल tamourparvez@gmail.com। और किसी को भी सेंड करना है तो आप स्पेस देके, अब जो ही आप स्पेस देंगे तो स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे और भी एड्रेस लिख सकते हैं, और जिस जिसको आपने सेंड करना है आप उसका भी एड्रेस लिखें। अब काफी सारे लोगों को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ माई सीवी, यहाँ कंप्लीट आप कोई भी चीज लिखना चाहे तो आप यहाँ पे कॉन्टेंट्स लिख सकते हैं। अटैचमेंट करनी है, अगर आपने अपने ईमेल में कोई चीज अटैच करनी है कि आप अटैच करके कुछ भेजना चाह रहे हैं, अगर आपने टेक्स्ट कुछ लिखा है, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहां से टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कुछ कॉपी करता हूँ, यहाँ फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट में चेंजिंग करना चाहे आप चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंजिंग में क्या आप बोल्ड करना चाहते हैं, मैं यहां से इसको एंटर करता हूँ, एंटर आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल, या मैं लिखता हूँ सर, इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करें आप इसको बोल्ड करना चाहिए बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक करना अटैलिक कर सकते हैं, हाईलाइट करना चाहे हाईलाइट कर सकते हैं इसको, किसी भी चीज़ को अगर आपने हाईलाइट करना है या कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबर अप्लाई करना है तो आप बुलेट्स एंड नंबर अप्लाई करना चाह कर सकते हैं। जब मैं बुलेट एंड नंबर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देखिए तो बुलेट सप्लाई करना चाहिए बुलेट सप्लाई कर सकते हैं, नंबर करना चाहिए अप्लाई तो नंबर कर सकते हैं, सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ पे नंबर अप्लाई करना चाहे तो नंबर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इमोशंस वगैरह अप्लाई करना चाहे तो आप यहाँ से वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेंटर में करना चाहे सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहे लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। ओके तो ये सारी चीजें, अटैचमेंट करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चीज तो आप यहाँ से क्लिक करें, अटैच फ्रॉम माई कंप्यूटर पे क्लिक करें, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स से करना चाहे ड्रॉपबॉक्स से कर सकते हैं, और शेयर फ्रॉम फ्लिकर से आप पिक्चर वगैरह कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अटैच फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, सेव ही है, अटैच हो रही है, कोई पिक्चर अटैच करना चाहे कोई वीडियो कुछ भी चीज अगर आप अटैच करना चाहते हैं यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद आपने जस्ट सेंड पे क्लिक करना है तो आपका मेल सेंड हो जाएगा, जो आपने एड्रेस दिया उस एड्रेस में सेंड हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे ईमेल मिला है कि नहीं, तो उसके लिए मैं जीमेल ओपन करता हूँ। इनबॉक्स में देखता हूँ, तो आप स्पैम में अगर देखें, स्पैम में क्लिक करता हूँ तो स्पैम में भी मेरे पास अभी नहीं आया।
सेंड में देख सकते हैं सेंड हुआ है कि नहीं, यहाँ सब सेंड में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सेंड हुआ है कि नहीं। यस, यहाँ से चला गया है। हाल मेल पे क्लिक करके देखता हूँ। अभी तक ये मेल नहीं आया, तो ये भी कुछ देर तक ये मेल आ जाएगा। क्लोज करते हैं इसको। दोबारा जीमेल को ओपन करता हूँ। यस, अभी आ गया मेल जी, चेक करें जरा। ओके, तैमूर परवेज का मेल अभी आ गया। कुछ टाइम लेता है लेकिन उसके बाद आपके पास मेल आ जाता है। देखिए, तैमूर परवेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये कंप्लीट डिटेल आ गई और ये अटैचमेंट आ गई इसकी। इसको आप डाउनलोड करके मैं देख सकता हूँ, जिसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सामने ओपन हो जाएगी जो कुछ आपने भेजे। तो ये था जी ईमेल के आप कैसे सेंड करते हैं। अब ईमेल को रिसीव कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से आपको ईमेल रिसीव करता हूँ जीमेल से, tamur.parvez@gmail.com। थैंक्स, यहां से इसको भी अटैच कर सकते हैं और बस मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, इनबॉक्स में क्लिक करता हूँ। या फिर आप इनबॉक्स में जाएं, जाके आप कहीं से आप इसको फॉरवर्ड, इसको रिप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स। ओके, वन मैसेज आ गया मी तैमूर, और यहाँ पे आप देखें जरा तैमूर का मैसेज आ गया जी, थैंक्स, ये देख सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है आपका, आप कैसे ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर वगैरह आप डाउनलोड करना चाहें तो पिक्चर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप देखें तो ये जी तैमूर परवेज, कौन सा आईडी है, tamur.parvez@gmail.com। कंपोज करता हूँ यहाँ पे, ओके jio.com, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ जी सेंड करता हूँ जी, सेव, इसको भी सेंड करता हूँ, अटैच करता हूँ, सीवी अटैच की, और इसको यहां से सेंड कर दूंगा मैं। सेंड किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपके पास ईमेल सेंड हो जाएगा। और आप इस ईमेल को, या ये जो सीवी हमने सेंड किया, तो इसको आप
यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मेल को। तो मेरे पास देखें यहाँ पे आ गया तैमूर परवेज सेवी लिखा हुआ आ गया, क्लिक करें इस पे और यहाँ पे आ गया जी पीडीएफ फाइल में सेवी है। व्यू करना चाहें तो व्यू कर सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आ गया मेरे पास, इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यस, तो डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया आपकी सीवी, और यहाँ पे देखिए ऊपर में मेरे पास सीवी डाउनलोड हो गया। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इनबॉक्स सब मेल को आप मूव भी कर सकते हैं। आप, मैं चाहता हूँ मूव हो जाए कहाँ पे, एक न्यू फोल्डर आप बनाते हैं अपना, आप उसमें मूव करना चाह रहे हैं, क्रिएट फोल्डर, इनबॉक्स में करना चाहते हैं, स्पैम में, चॉइस में, आपकी मर्जी है। तो मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मेल के नाम से मैं एक फोल्डर बना चुका हूँ और मैं यहाँ पे इसको मूव करना चाह रहा हूँ सबको। तो ये सारे के सारे मेरे पास मूव हो गए जी, फोल्डर है। सबको मूव टू यहाँ पे क्लिक करके यहीं से बना लें क्रिएट न्यू फोल्डर, वहां से नहीं बन रहा तो इंपॉर्टेंट आ गया जी। इसके अंदर मूव करना चाह रहे तो आप यहाँ पे इनबॉक्स में क्लिक करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और मूव टू इंपॉर्टेंट पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट में आपके मेल मूव हो गए। किसी और में मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं, स्पैम है उसमें मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे अपने मेल को डिलीट कर सकते हैं, फ्रेश में आप इसको एम्प्टी करना चाहें क्लिक करें यहाँ पे, ओके करें तो ये आपके आपने जो डिलीट किए थे मेल वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। मेल है, कॉन्टेक्ट है, अगर आपके पास अपने जीमेल के साथ या फिर फेसबुक के साथ इसको अटैच किया हुआ है, इसको लिंक दिया हुआ है, तो फिर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। तो मेरे पास जीमेल का एक कॉन्टेक्ट आ गया यहाँ पे, देखिए तो ये मेरे पास एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ गया इसका। कैलेंडर वगैरह देखना चाहें देख सकते हैं, नोट पैड है, मैसेंजर है, मैसेंजर से भी आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन है तो, कोई ऑनलाइन तो आप यहाँ से उससे चैटिंग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जी आपके पास योग, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।